दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रत्न के बारे में जिसमें क्षमता है अचानक किसी राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की, जिसमें क्षमता है अचानक सब कुछ उलट पुलट कर देने की। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से उनका सारा बिजनेस ठप पड़ जाता है, सब कुछ अच्छा चलते चलते भी अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। और वहीं हमने देखा है कई बार कुछ लोगों को अचानक से लॉटरी लग जाती है, बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है, उनके व्यापार अचानक से नई ऊंचाई कुछ होने लग जाते हैं, उनको अचानक से नई ऊंचाई प्राप्त होने लग जाती है। दोस्तों, यह सब संभव होता है केतु ग्रह के कारण। जी हाँ दोस्तों, केतु ग्रह जिसे एक छाया ग्रह माना जाता है, केतु ग्रह की छाया जिस भी ग्रह पर पड़ती है वह उसी के अनुसार फल देने लग जाता है। यदि केतु उच्च का होता है तो उस ग्रह के अनुसार अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और यदि केतु नीच का होता है तो उस ग्रह में परेशानियां शुरू हो जाती है। यदि केतु उच्च का हो तो उसके लिए केतु का रत्न धारण करना चाहिए, और यदि केतु नीच का है तो उससे संबंधित दान पुण्य करने चाहिए। केतु ग्रह का रत्न है लहसुनिया, जिसे संस्कृत में वैदुर्यमणि भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे केटसाई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्ली की आँख की तरह दिखता है, इसलिए इसे केटसाई कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लहसुनिया रत्न की पहचान। यह रत्न हल्का भूरा, हल्का पीला, हल्का हरे, काले एवं सफ़ेद रंग में पाया जाता है। इस रत्न के मध्य में सफ़ेद धारी पाई जाती है, जिनकी संख्या 2, 3 या 4 होती है। जिस रत्न के मध्य में ढाई धारी पाई जाती है वह रत्न सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। अब बात करेंगे लहसुनिया रत्न किन लोगों को पहनना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, लहसुनिया रत्न पहनने के लिए आपका केतु उच्च का होना चाहिए। दूसरा, धनु, वृषभ, मकर, कुंभ, तुला राशि वालों के लिए केतु रत्न शुभ फलदायी माना गया है, उन्हें यह धारण करना चाहिए। तीसरा, अगर केतु की छाया लग्न के 5वें, 9वें एवं 10वें घर में हो तो केतु रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। चौथा, गुरु एवं केतु के योग में केतु लहसुनिया धारण करना चाहिए। पाँचवा, आध्यात्म, योग, धर्म क्रम से जुड़े व्यक्तियों को केतु रत्न लहसुनिया पहनने से उनके आध्यात्मिक धर्म क्रम योग में वृद्धि होती है, इन्हें लहसुनिया धारण करना चाहिए। छठा, राजनीति, शेयर बाजार एवं इस तरह के अन्य कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को भी केतु रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। सातवां, ऊपरी बाधा, बुरे सपने एवं नज़रबंदी से बचने के लिए भी केतु रत्न लहसुनिया पहना जाता है। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को, शेयर बाजार से जुड़े व्यक्तियों को और आध्यात्म से जुड़े व्यक्तियों को अपनी कुंडली दिखाकर केतसाई जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा है कि यह वह स्टोन है जो किसी भी राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। शेयर बाजार, जिसे अचानक धन आता है अचानक जाता है। राजनीति, जिसमें कभी भी एक साधारण कार्यकर्ता भी मंत्री बन जाता है और एक मंत्री भी अपने पद से हट जाता है। अब बात करते हैं कि केतु का रत्न लहसुनिया किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए। मेष, सिंह, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि वालों को लहसुनिया पहनने से बचना चाहिए। अगर केतु की छाया 6वें, 8वें या 12वें घर में हो तो भी लहसुनिया ना पहने। अगर केतु कभी भी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो या शनि के साथ बैठा हुआ हो तो लहसुनिया ना पहने। शनि एवं केतु के योग से कभी भी लहसुनिया ना पहने। लहसुनिया रत्न के साथ कभी भी हीरा, नीलम, माणक जिसे रूबी भी कहते हैं और मोती रत्न ना पहने। अब बात करेंगे लहसुनिया रत्न पहनने के फायदे। अचानक धन प्राप्ति करवाता है, अचानक तरक्की करवाता है, उच्च पदों पर ले आता है। दूसरा, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्रम में मजबूती प्रदान करता है, उन्हें शांति प्रदान करता है। तीसरा, किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, बुरे सपने, इन सबको दूर करता है। लहसुनिया पहनने से नज़र दोष भी दूर होता है। लहसुनिया रत्न पहनने की विधि के बारे में बात करते हैं। लहसुनिया रत्न पहनने की विधि है, लहसुनिया रत्न को मुख्यतः चांदी में पहना जाता है। दूसरा, लहसुनिया को मुख्य रूप से मंगलवार एवं शनिवार के दिन पहना जाता है। इसे संध्या काल में नहा धो के स्वच्छ होके शाम को 6 से 8 के बीच में पहनना चाहिए। लहसुनिया रत्न से बनी अंगूठी या पेंडल को हमें सबसे पहले पंचामृत में शुद्ध करके उसके पश्चात इसे धूप अगरबत्ती करें और 108 बार केतु के मंत्र का जाप करें। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। लहसुनिया रत्न पहनने के लिए पुरुषों का दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में या फिर मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए और स्त्रियों को बाएं हाथ की कनिष्ठा या मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, यह जानकारी लाभप्रद लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
लाइक का बटन भी दबाइए, जिससे आगे भी इस तरह की रत्नों से जुड़ी समस्त जानकारियां हम आपको समय समय पर प्रदान करते रहेंगे। घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी समस्त जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। कोई भी रत्न धारण करना हो तो हमें ज्योतिष की सलाह से ही धारण करना चाहिए एवं वह सभी रत्न विश्वसनीय लेअप द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। आप चाहें तो विश्वसनीय लेअप द्वारा प्रमाणित रत्न हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।